बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। माय नेम इज मोहम्मद हसनत जहांगीर एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज बायो रिमेडिएशन ऑफ सॉइल्स सैचुरेटेड विद स्पिल्ड क्रूड ऑयल। दिस इज द रिसर्च पेपर फ्रॉम विच आई प्रिपेयर माय होल प्रेजेंटेशन। My presentation includes introduction, objectives, material and methods, results, discussion, conclusion, and references. Introduction. Pollution with crude oil and its products has become globally a major environmental concern. So, crude oil is a naturally occurring unrefined petroleum product composed of hydrocarbon deposits and other organic materials. At least 0.08 to 0.4% of the internationally produced oil has been estimated to be spilled. तो ये एक percentage बताई गई है कि 0.08 to 0.4% ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये ऑयल स्पिल होता है। गल्फ रीजन्स प्रोड्यूसेस मोर देन 50% ऑफ द मेरीन ट्रांसपोर्टेड ऑयल इन द वर्ल्ड। अब गल्फ रीजन्स जो है उसमें बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ये आते हैं। अब ये जो ममालिक हैं ये 50% से ज़्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू मेरीन चैनल्स। गल्फ कंट्रीज एक्चुअली रिसीव अ बिग शेयर ऑफ ऑयल पॉल्यूशन। चूंकि गल्फ कंट्रीज में जो है ऑयल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और एयर ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इनके यहाँ जो है ऑयल पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। बींग रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन ऑयल पॉल्यूटेंट्स परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। जैसा कि एनिमल्स मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें डिकम्पोज करते हैं और वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को डंप करें तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन ऑयल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट शो करते हैं अगेंस्ट बायोडिग्रेडेशन, तभी जो है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते, वो ज़्यादा अरसे तक जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं। Oil in soil persists much longer than most conventional carbon sources like carbohydrates and proteins. तो oil जो है वो carbohydrates और proteins की बनिस्बत ज्यादा अरसे तक रहता है माहौल में। Carbohydrates and protein take only weeks to be degraded. Physical and chemical approaches for removal of spilled oil are sometimes in use, but these approaches are not usually preferred. तो physical और chemical जो तरीके हैं उन्हें इसलिए prefer नहीं किया जाता क्योंकि ये cost effective है, और दूसरी बात ये कि अगर हम chemical को इस्तेमाल करें oil pollutants को ख़त्म करने के लिए तो केमिकल जो है वो ऑयल पॉल्यूटेंट्स को तो ख़त्म कर देंगे लेकिन खुद ये रह जाएंगे, तो इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक तरफ से तो पॉल्यूशन ख़त्म हो गई जबकि दूसरी तरफ से फिर से ये केमिकल वहीं रह जाएंगे तो ये दूसरी पॉल्यूशन बन गई। वाइल ऑयल बायो रिमेडिएशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली सेफ अप्रोच। The objective of this work is to study whether effective microbial bioremediation of oil would proceed in oil saturated soil. Objective inka yahi tha ki wo microorganism jo ke bioremediation karte hain kya wo microorganism oil ki bioremediation karenge soil mein ki nahi. Material and methods. Soil sample. Oil-free desert soil sample were collected from Mishrif, Kuwait City.
oil-free garden soil was collected from the botanical garden of the Faculty of Science, Kuwait University. Part of desert soil was mixed with 17.3% of Kuwait crude oil and used throughout as oil saturated sample. तो एक सैंपल इन्होंने जो है प्रिस्टीन का मतलब है वो सॉइल जिसमें ऑयल ना हो, तो एक सैंपल इन्होंने लिया है डेजर्ट सॉइल का, एक सैंपल इन्होंने गार्डन से लिए, एक सैंपल गार्डन सॉइल का लिया और एक सैंपल जो है जो कि डेजर्ट सॉइल का था उसमें इन्होंने 17.3% जो है क्रूड ऑयल डाला है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 17.3% ही क्यों डाला क्रूड ऑयल, इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं डाला। तो वजह ये थी कि 17.3% ऑयल कंसंट्रेशन वाज़ द मैक्सिमम ऑयल होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द डेजर्ट सॉइल। चूँकि डेजर्ट सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी इतनी थी तभी इन्होंने जो है 17.3% क्रूड ऑयल डाला था उसमें। Other part of pristine desert soil as well as pristine garden soil were used for diluting the oil saturated soil. Soil was kept in a glass plate for the whole month of March in garden. Purpose of this treatment was to provide the microbial community with a period of adaptation to the high oil concentration under open condition. मकसद इनका यही था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को एडॉप्ट कर ले हाई ऑयल कंसंट्रेशन के साथ अंडर ओपन कंडीशन। ऑयल बायोरिमेडिएशन इन माइक्रोकॉसम्स। तो माइक्रोकॉसम्स का मतलब कि स्मॉल लेवल एक्सपेरिमेंट्स विच रिप्रेजेंट लार्ज एक्सपेरिमेंट्स, इसे माइक्रोकॉसम कहते हैं। Aliquots of oil-saturated soil were diluted either with pristine desert or pristine garden soil. 1 kg of oil-saturated soil was taken in 3 glass plates. Oil-saturated soil was mixed with 0.25 kg, 0.50 kg and 0.75 kg of the pristine oil. Oil saturated soil and the 1-3 heaps with total weights now 1.25, 1.50 and 1.75 kg respectively. Each glass was moistened with 10% water. At the end of adaptation month and each of subsequent 6 months, triplicate soil samples were collected. For measurement of oil consumption and for microbial analysis. Is oil consumption for measurement of oil consumption and for microbial analysis ki jo inhone collect kiye the fir wo samples. So measurement of oil consumption. Soil samples were mixed by spatula. अच्छे तरीके से इन्होंने जो है मिक्स किया था सॉइल सैंपल को। दिस मिक्सिंग इंश्योर्ड दैट द सैंपल टेकन वर रिप्रोड्यूसिबल एंड वेल एरेटेड। इसलिए इन्होंने अच्छे तरीके से मिक्स किया था ताकि हवा जो है ऑक्सीजन जो है हर कोने तक पहुंच सके। सो व्हाई ऑक्सीजन? Because oxygen is well known an essential requirement for the initial attack of the organism on hydrocarbon. The oil concentration was analyzed using gas liquid chromatography. Is gas liquid chromatography ke zariye inhone analyze kiya tha fir. The amount and percentage of oil consumed were calculated. Just for to check effectiveness of the bioremediation process, oil saturated soil samples at time zero and samples that had been subjected to bioremediation were filled in pots.
Each pot was sown with 50 seeds of broad beans. Soil was moistened with equal amount of water and kept in greenhouse. The percent values of germinating seeds were calculated. कि जो सीड्स जर्मिनेट कर गए थे उन्हें कैलकुलेट किया गया. माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस. सोइल हीप्स वर वेल मिक्स्ड बिफोर 3 रैंडम 1 ग्राम सैंपल्स वर कलेक्टेड फॉर द एनालिसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट बाय हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरियल कम्युनिटीज. Standard plating method using a solid mineral medium and crude oil vapor as source of carbon and energy to count and isolate these microbes. Other tests were also conducted like morphologically and microscopically, which includes colors, margins, cell shapes, motility, and staining reactions. Oil tolerance of pure isolates. Oil tolerance was done to isolate crude oil degrading microbes. Molecular characterization. Molecular characterization was done in which isolates were characterized by comparing the sequences of their 16S rRNA genes. Results. Oil consumption. तो इस ग्राफ में इस रिजल्ट में हम ऑयल कंजप्शन देखेंगे कि किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हर मंथ में जो है कितनी ऑयल कंजप्शन की थी. तो जैसे कि यहाँ पर मार्च के मंथ में जहाँ पर टेम्परेचर 22 से नीचे नहीं गया और 34 से ऊपर नहीं गया, तो जैसे कि 3 सैंपल्स थे हमारे पास सॉइल के, तो ऑयल सेचुरेटेड सॉइल की जो मार्च के एंड में जब देखा गया कि ऑयल कंजप्शन कितनी हुई है, तो 17% जो है ऑयल कंजप्शन हुई थी मार्च के एंड में. और ऑयल सेचुरेटेड सॉइल डाइल्यूटेड विद प्रिस्टीन डेजर्ट सॉइल जब मंथ के एंड में देखा गया तो 16% जो है ऑयल की कंजप्शन हुई थी. और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है इनकी. इसी तरह ऑयल सेचुरेटेड सॉइल डाइल्यूटेड विद प्रिस्टीन गार्डन सॉइल, इनकी जब देखी गई परसेंटेज तो 16% ये देखें ऑयल कंजप्शन हुई थी. और ये ट्रिप्लिकेट है इनके, ये 1, 2, 3. इसी तरह अप्रैल के एंड में देखा गया तो ऑयल सेचुरेटेड सॉइल की जो ऑयल कंजप्शन हुई थी वो 59% थी. और इसी तरह बाकी आप लोग इधर देख सकते हैं. और इधर नंबर ऑफ CFU ऑफ हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्च के महीने में जहाँ पर 22 से टेम्परेचर नीचे नहीं गया और 34 से ऊपर नहीं गया, तो ऑयल सेचुरेटेड सॉइल और ऑयल सेचुरेटेड सॉइल डाइल्यूटेड विद प्रिस्टीन डेजर्ट सॉइल और ऑयल सेचुरेटेड सॉइल डाइल्यूटेड विद प्रिस्टीन गार्डन सॉइल, तो इन तीनों सैंपल्स का जो रिजल्ट था वो टोटल 1 to 3 million CFU पर ग्राम सॉइल था. और इसी तरह आप लोग बाकी मंथ्स में भी देख सकते हैं. और सितंबर में जो है इन तीनों सैंपल्स का जो रिजल्ट था वो 100 million CFU पर ग्राम सॉइल था. तो ये रिजल्ट है डेजर्ट सॉइल का कि कौन सी बैक्टीरियल स्ट्रेन ने कितनी ऑयल कंजप्शन की थी या ऑयल बायोरिमेडिएशन की थी. तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 18 नंबर पे जो स्ट्रेन है इसने 88% ऑयल बायोरिमेडिएशन की थी. 25 नंबर पे जो स्ट्रेन है इसने 65% जो है ऑयल बायोरिमेडिएशन की थी. 11 नंबर पे जो स्ट्रेन है
इसने 61% जो है ऑयल बायो रिमीडिएशन की थी, और फोर नंबर पे जो स्ट्रेन है इसने 74% ऑयल बायो रिमीडिएशन की थी। ये फर्स्ट मंथ के एंड में जो रिजल्ट्स देखे गए थे। इसी तरह फिर दूसरे मंथ की भी आप लोग देख सकते हैं, और ये तीसरे मंथ, चौथा मंथ, ये फिफ्थ मंथ और सिक्स्थ। और ये रिजल्ट है गार्डन सॉइल का, कि गार्डन सॉइल में किस बैक्टीरियल स्ट्रेन ने कितनी ऑयल बायो रिमीडिएशन की थी। तो इधर भी वैसा ही है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बैक्टीरियल स्ट्रेन नंबर है, और ये जो परसेंटेज बताई गई ये कितनी ऑयल बायो रिमीडिएशन की थी स्ट्रेन ने, वो दिखाया गया इधर। अभी इधर अगर आप लोग देखें तो ये जो एट नंबर पे जो स्ट्रेन है, जो कि है जिसका नाम है डाइट्सिया पेपिलोमाटोसिस, इसने जो है थ्रू आउट सिक्स मंथ सबसे ज़्यादा ऑयल बायो रिमीडिएशन की थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर 45%, इधर 78%, ये देखिए यहाँ पर भी 62%, यहाँ पर 80%। तो ये जो है मोस्ट टॉलरेंट वन था। इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन शोज सीएफयू नंबर, व्हाइल हॉरिजॉन्टल लाइन शोज बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। तो जब 1% ऑयल डाला गया तो तब इस बैक्टीरियल स्ट्रेन का सीएफयू नंबर इतना था, और जब 5% ऑयल डाला गया तब इतना था, जब 10% और जब 20%। तो इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि जब इतने इतने परसेंट ऑयल डाला गया तो उसका सीएफयू नंबर क्या था, वो इधर आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने पीछे बाकी के जो एट नंबर पे जो बैक्टीरियल स्ट्रेन थी वो सबसे मोस्ट टॉलरेंट वन था ना, तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि जब 1% ऑयल डाला गया तो इसका सीएफयू नंबर इतना था, जब 5% डाला गया तब इतना था, और जब 10% डाला गया तो ये इसका सीएफयू नंबर इतना था। यानी ये जो है सबसे ज़्यादा ऑयल को टॉलरेट कर सकता था। डिस्कशन। साइंटिस्ट्स वर्किंग विद बायोपाइल सिस्टम रिपोर्टेड दैट ऑयल इन अ सॉइल सैंपल ट्रीटेड विद बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स अकर्ड एज थिन फिल्म्स ऑन टाइनी सॉइल पार्टिकल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बायो रिमीडिएशन प्रोसीड्स आल्सो इन वेरी हेविली कंटामिनेटेड सॉइल्स। The high oil contents leads automatically to enriching the soil selectively with microbial species with extremely high oil concentration tolerance. The results of this study provide evidence for this and demonstrate that Dietzia papillomatosis is most tolerant one. तो यही जो bacterial strain था यही जो है most tolerant one था। The data in tables 1 and 2 provide an experimental evidence for the effective involvement of the bacterial flora in the consumption of oil. Increase in bacterial counts were also observed during the hot months of July and August, probably due to enhanced activity of thermophilic bacteria. Careful analysis of the microbial dynamics consolidates the role of bacterial flora in oil consumption. The predominant taxa during this month in undiluted and diluted heaps were affiliated within the genera. The only taxon which continued to predominate through all the months was Dietzia papillomatosis, which plays leading role in oil bioremediation process. Proper microorganism may be inoculated, but failed to remove the pollutant and oil bioremediation should be depend on the on microflora. Conclusion. This research showed that these microorganisms occurred in relatively high numbers and showed a striking diversity in their identities,
These organisms are also active under oil saturation condition. Other managements such as nitrogen and phosphorus fertilization would still enhance bacterial oil removal. These are the references. Thank you.